हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आई हूँ अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ी रियलिस्टिक रूटीन और अपनी वेट लॉस जर्नी भी। तो आज मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम मैंने करा है शार्लेट को अपने साथ ही उठा लिया, एंड देन मॉम और बेबी दोनों करने आए हैं ब्रश। ये तो मॉर्निंग रिचुअल है, हर कोई करता है। कुछ चीज़ें हैं जो आप इस रूटीन में फर्स्ट टाइम देखोगे और ये मैं लास्ट दो हफ्ते से कर रही हूँ। तो उनमें से एक है, मॉर्निंग में उठने के बाद मैं कोई भी ऑयल लेके, आपके पास जोन सा भी ऑयल आप ले सकते हो, यहाँ मैं ताचा को ऑयल ले रही हूँ, तो ये ऑयल लेके अपने हाथों की थोड़ी सी मसाज करनी। थोड़ा सा आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। मैं किसी को फॉलो करती हूँ जिनका नाम है राधी, आप लोग जानते होंगे ऑब्वियसली, जय शेट्टी की वाइफ है वो। उन्होंने बताया था कि काफ़ी अच्छा होता है मॉर्निंग में, एंड देन मैं लगा रही हूँ लिप बाम। और गुड मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग मैं कोई ना कोई हेल्दी ड्रिंक लेती हूँ। सिंस मेरी डाइजेशन प्रॉब्लम काफ़ी बेटर हो गई है तो अब मैं लेती हूँ नींबू पानी। तो आज नींबू पानी ले रही हूँ मैं ल्यूकवॉर्म वाटर में, एंड देन शार्लेट को दे रही हूँ उसके लिए गर्मा गर्म दूध। कोशिश करूँ उसकी बॉटल की हैबिट भी छुड़वाने की, होपफुली जल्दी छूट जाए। और यहाँ पे बस अपनी कॉफ़ी मशीन स्टार्ट करी है और कॉफ़ी के लिए एक शॉट निकाल रही हूँ। देन आज बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में अपने एज ऑलवेज फेवरेट एग्स। आपको पता ही है मुझे एग्स वगैरह बहुत पसंद है, इवन शार्लेट को भी बहुत पसंद है, सो दिस इज़ वॉट वी लव। और यहाँ शार्लेट मेरी फिर से हेल्प करते हुए, विच आई लव। थैंक यू बाबा। एग्स के साथ हम दोनों अपने लिए एक ब्रेड बटर भी खाते हैं, तो एक ब्रेड बटर शार्लेट के लिए होता है, एक ब्रेड बटर मेरे लिए होता है। बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक सा ब्रेकफास्ट होता है। हफ्ते के चार दिन हम ऑलमोस्ट यही ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड देन वीकेंड पे या कुछ कोई डिफरेंट डे पे हम लोग ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। तो आज एक सिंपल ऑमलेट, एंड देन शार्लेट आई है यहाँ पे हेल्प कराने। मुझे बहुत डर लगता है आजकल वो गैस के पास ये लेके आ जाती है करछी। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने कॉफ़ी का शॉट निकाला था उसमें मैं बस आइस और दूध डाल के मैंने एक बनाई है रेगुलर सी कॉफ़ी। तो एवरी मॉर्निंग रिचुअल में ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है, जो कि अपने पेरेंट्स से बात करना। तो एवरी मॉर्निंग मैं अपने मॉम डैड से बात करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये स्टैंड बहुत अच्छा है गाइस, ये मैंने अमेजोन से लिया था, वर्थ इट है, एवरी डे मैं इसे यूज़ करती हूँ। एंड देन बात करने के बाद मैं शार्लेट को यहाँ पे एक क्विक सी बात दिलाई है, तो मैंने उसके हेयर वगैरह वॉश करके उसको जल्दी जल्दी बात दिलाई। एंड देन सनी इस बार ग्रॉसरी में बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स लेके आए थे। तो अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 3 बैगन, तो ट्रस्ट मी ये बैगन हमारे लिए 2 टाइम के यूज़ के हैं। तो यहाँ मैं आज बैगन आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, जिसके लिए मैं प्याज को मैंने पहले चॉप कर लिया है, देसी घी डाला है 1.5 चम्मच, उसमें जीरा डाला है, एंड देन प्याज डाल के उसको मैं भूनूंगी। पहले प्याज में नमक डाल देने से प्याज थोड़ी सी जल्दी भून जाती है, तो बस जल्दी से नमक डाल के मैं प्याज को जल्दी जल्दी भून रही हूँ। एंड देन जब वो अच्छे से भून रही होगी उसी टाइम मैंने टमाटर लिए हैं 1.5, एंड देन उसके साथ मैं हरी मिर्चें भी ली हैं, जो एक नीचे भी गिर गई है, जिसको मैं चॉप कर रही हूँ। ये चॉपर बहुत अच्छा है, निंजा से ब्रांड का है, अमेजोन से मंगाया था। एंड देन इसमें मैं नमक, मिर्च, हल्दी, नमक पहले ही डाल दिया, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल रही हूँ। यही 3-4 मसाले होते हैं जो मैं अपनी एवरी कुकिंग में डालती हूँ। एंड देन टमाटो प्यूरी डाल के इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा मसाले को पकाऊंगी। सिंस मैं ऑयल यूज़ नहीं करती, अब 1 चम्मच देसी घी यूज़ करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं छोड़ती हैं सब्जियाँ, एकदम नॉर्मल सा तेल छोड़ा है। एंड देन मसालों की बहुत स्मेल आती है यहाँ पे यार, तो इसीलिए कैंडल भी जला लेती हूँ, अदरवाइज सनी कंप्लेन बहुत करते हैं मेरे को मसालों की स्मेल से। तो यहाँ पे अब देखा जैसे मसाला पक गया है, तो सिंस मैं आलू डालूंगी, तो पहले मैं आलू डाल के उसको पकाऊंगी, एंड देन उसको पकाने के बाद करीब 2-3 मिनट और पकाऊंगी आलू डाल के, ढक के पका रही हूँ। एंड उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी बैगन जो मैंने कट करके रखे हैं, 3 बैगन थे ये, और ये हमने मॉर्निंग में भी खाया, एंड देन रात को सन ने डिनर में भी खाया ये आफ्टर द सूप, जो आप देखोगे अभी आगे। एंड देन आई थिंक हरा धनिया इज माई मोस्ट फेवरेट थिंग। हरा धनिया मैं हर चीज़ में डालती हूँ, पता नहीं मुझे हरा धनिया इतना क्यों पसंद है भाई, मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है, आपको पसंद है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड देन एवरी डे हमारा एक रूटीन है जो कि है फ्रेश फ्रूट्स खाने, तो मैं फ्रूट्स फ्रिज से निकाल के बाहर रखें कि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। यहाँ मैं डाल रही हूँ फ्रोजन मटर, एंड मटर को डाल के 1-1.5 मिनट और कुक करूँगी, एंड देन खूब सारा धनिया डाल के रेडी हो जाएगी मेरी आलू मटर और बैगन की सब्जी। अगर मुंह में पानी आ रहा है तो हिट दैट लाइक बटन। तो यहाँ पे जो भी फ्रूट्स हैं वो मैं कट कर रही हूँ। गुआवा मेरा फेवरेट है, अमरूद तो मैं एवरी डे खा सकती हूँ सच में, तो मैं गुआवा है, थोड़े से एप्पल्स हैं, बनाना है, वो मैंने शार्लेट को सर्व कर दिया है, क्योंकि शार्लेट को भी हम लोग इतना फ्रूट्स खाने बहुत पसंद है। एंड देन अगर आप देख रहे हो तो मैं कंटेनर में यहाँ पे सनी के लिए फ्रूट्स पैक कर रही हूँ, बिकॉज वो इतनी जल्दी नहीं खाते फ्रूट, तो उनके लिए मैं पैक करके रखूँगी उसको फ्रिज में। और अपने फ्रूट खाने से पहले
क्या करना है मुझे पता है ना आपको, एक क्विक शावर लेना है, बिकॉज ये सारे काम मैं बिना नहाए कर रही हूँ। ज़्यादातर सब्जी उब्जी बनाने का काम मैं जल्दी बिना नहाए कर लेती हूँ, सो डैट मैं आराम से जब फ्रेश होकर नहा के आऊँ तो मेरे को खाना वगैरह ये सब्जी ना बनानी पड़े। रोटी इज़ फाइन विद मी, लेकिन सनी इसी टाइम उठ गए हैं तो मैं लगे हाथ उनके लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। आप इलायची देख सकते हो लौंग भी, तो उनको बहुत पसंद है चाय पीनी, मैं वंस इन अ वाइल पीती हूँ, तो आज सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ। एंड देन आप बाहर देखो यार, इतनी ठंड पड़ी है पिछले डेढ़ हफ्ते से, आप बर्फ़ की मोटी परत देख सकते हो साइड वॉक पे, चलने की भी जगह नहीं है बिल्कुल, तो बहुत बुरा हाल है। बट कुछ नेवर द लेस जैसा है वैसा ही है अब तो। तो यहाँ मैं चाय छान के सनी को सर्व करूँगी चाय, एंड देन अब अपना टाइम आ गया क्विक क्विक शावर लेने का। तो अभी मैंने लिया एकदम क्विक शावर और काफ़ी मैं अपने कर्ल्स ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज यू गाइज नो दैट वॉज नॉट परमानेंट कर्ल्स, और मेरे बाल ज़्यादातर स्ट्रेट हैं, थोड़े से वेवी टेक्सचर होता जा रहा है जब से रिमॉर्निंग ओपन हुई है। सो आफ्टर हेयर कट दिस इज हाउ माई हेयर लुक लाइक। किसी एक का कॉमेंट आया था आप सबने बहुत हेयर लाइक करे, थैंक यू सो मच फॉर डैट। और किसी एक ने कॉमेंट किया था कि हमें देखना हेयर जब कर्ल्स वगैरह हट जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा हेयर टेक्सचर कर्ल्स नहीं है, तो दिस इज हाउ माई हेयर लुक लाइक एंड आई रियली काइंड ऑफ लविंग इट एक्चुअली। मैं अपनी लाइफ में कभी इतने शॉर्ट हेयर पे नहीं गई, सो दिस इज समथिंग विच आई रियली इंजॉय, और बहुत जल्दी हेयर कॉम हो जाता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। रेडी अप टाइम है लंच का, बट उससे पहले जो मैंने अपने फ्रूट्स कट करे थे, मैं फ्रूट्स खाती हूँ अभी। हाय यमीना, आपने अपने फ्रूट्स फिनिश करे हैं सारे? कॉम्ब आपके भी हेयर कॉम करने दिखा। कॉम्ब इट एवरी। सो ये भी अपनी क्यूट क्यूट शार्लेट। वॉश स्माइल, सबको हाय बोल दो। हाय फिश, कर दो फ्लाइंग किस। ये कैसे हो? गुड डे थ्री, बोलो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो गाइज एक बहुत बड़ी खुशखबरी, शार्लेट की पी ट्रेनिंग पॉटी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत बढ़िया हो गई है। ट्रस्ट मी अब उसके नैपीज़ की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को, सिर्फ दोपहर को सोते टाइम और एक रात को सोते टाइम। तो शार्लेट ने अपनी पीपी कर ली है एंड देन वो अपना ये स्टूल लेके आई है सो डेट वो अपने हैंड वॉश कर ले अच्छे से। और सनी आज बिना बेड बनाए बाहर चले गए, ऑल दो सनी हफ्ते में 3-4 दिन बेड बना ही लेते हैं, बट आज उन्हें बनाया नहीं, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी अपना बेड बना लूँ, बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं क्यों मेरी हैबिट है, मुझे ख़राब बेड बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैंने क्विकली बना लिया अपना बेड एंड देन अब मैं करूँगी रिलैक्स। अनुपमा मेरा फेवरेट सीरियल है, आई नो कई लोगों को बहुत बोरिंग लगता होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम एक टेक देख रही हूँ मैं लेडी का इंडिपेंडेंट होने का, सो आई एब्सोल्युटली एंजॉय दिस शो। और साथ में मैं खा रही हूँ अपने फ्रूट्स। इतने ठंडे एरिया में रहने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आप देखो मैंने यहाँ पे विंडो ओपन करी थी तो जो पानी है ना, अब अंदर हीट चलती है तो ऐसे पानी आ जाता है, तो अगर वो क्लीन करते रहना चाहिए टाइम पे, अदरवाइज सारा यहाँ पे जो प्लाई है और जो सारे प्लास्टिक लगा है वो ख़राब हो जाता है। तो सनी उसको क्लीन करें एंड देन अब मैं जल्दी जल्दी आटा गूंद रही हूँ, बिकॉज सब्जी अपनी रेडी है, बस मेरे को रोटियाँ बनानी है। ट्रस्ट मी गाइज, मुझे आटा गूंदना रोटी बनानी सबसे वर्स्ट काम लगता था, बट अब एवरीडे कर करके अब एकदम यू कहते हैं ना फटाफट करने की हैबिट हो गई है। साथ में आज मेरा लस्सी पीने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने सोचा अपना घर पे जीरा पाउडर बनाऊं। तो जीरा यहाँ तवे में थोड़ी देर भूनूंगी एंड देन उसको फ्रेशली मैं पीसूंगी। मुझे जीरा पाउडर बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत पसंद है, बट सनी को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, सनी को बहुत स्मेल आती है उससे। तो यहाँ मैंने सनी के लिए दही रखी है और दही में मैं खीरा कद्दूकस कर रही हूँ, उनको मैं दे रही हूँ खीरे का रायता। लेकिन अगर आप जो साथ में ग्लास देख रहे हो वो ग्लास है मेरा, जिसमें मैंने अपने लिए बनाई है नमक वाली लस्सी, जिसमें मैंने खूब सारे जीरा पाउडर डाला है और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। मुझे बहुत अच्छी लगती है कभी कभी लस्सी पीनी। तो क्विकली मैं बना रही हूँ सबके लिए रोटी, अपने लिए एक रोटी, शार्लेट के लिए एक एंड सनी के लिए 3 रोटीज। तो यहाँ पे अपना रोटी बन के हो गई है रेडी एंड देन खाना हो गया सर्व। गाइज ये जो घर से ब्रांड से मैंने अचार लिया है इतना यमी है, मेरे को नींबू का ये मीठा अचार बहुत पसंद है, ये मैं एवरीडे खाती हूँ, आई लव इट। तो पहले मैं शार्लेट को खाना खिला रही हूँ सो डैट मैं बाद में आराम से खाना खा सकूँ। और कौन कौन मम्मी ऐसे करती है बच्चों को पहले खिला लेती हैं सो डैट उनको 5 मिनट आराम से खाना खाने का टाइम मिले। तो यहाँ सनी के साथ मैं आराम से खाना खा रही हूँ और देखो अब सनी क्या चीट करेंगे, सनी हाँ मेरी लस्सी पी लेंगे। आई एम लाइक ये क्या हो रहा है उनको भी बहुत अच्छी लगी लस्सी। आई जस्ट होप ये लस्सी पीने से मेरा काम ना खराब हो जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं लस्सी पीती हूँ मेरे को बहुत नींद आती है। ऑल दो मेरे को आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है करने के लिए, बट स्टिल आफ्टरनून लस्सी पीना डैट मीन्स पूरा आलस को अपने घर पर वेलकम करना।
लंच रूटीन हो गई है यहाँ पे डन और काम है अब जल्दी जल्दी जितने बर्तन है उनको वॉश करके संगवाने का। तो जो बर्तन डिश वॉश में जाने हैं वो डिश वॉश में जा रहे हैं। तो कल रात को मैंने डिश वॉश नहीं चलाया था, तो अब दोपहर तक बर्तन काफ़ी सारे हो गए हैं। तो कल पूरे दिन के और आज दोपहर के और मॉर्निंग के भी बर्तन हैं। तो आज मैं डिश वॉश को अब दोपहर को चलाऊंगी। यूजली मैं रात को चलाती हूँ। सुना कनाडा में रात को बिल कम आता है अगर डिश वॉश चलाओ। अगर आपको लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैंने सुना है ऐसा। तो कई बार मैं रात को चलाती हूँ बट आज फुल था। तो ये मैं फिनिश का ही यूज़ करती हूँ डिटर्जेंट की, ये वाली क्यूब। तो ये मैंने इसमें लगा दी है एंड देन डिश वॉश मैंने कर दिया है अपना ऑन। साथ में अपना डिश सोप जो मैंने लिया था अमेजोन से, ये मेरा फेवरेट है। इसको भी मैं एवरी वीक बेसिस पे रिफिल कर देती हूँ। अभी आए कोरियर जिसमें आई है मेरे को हुडा ब्यूटी की पीआर। तो हुडा ब्यूटी ने अपनी नई फाउंडेशन लॉन्च करी है। बेसिकली पुरानी वाली फाउंडेशन थी, अब बस इसमें कुछ चेंजेस करे और इसको फ्रेग्रेंस फ्री ट्रांसफर प्रूफ वगैरह कराए। तो मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ये चीज़ें आती हैं। और रही बात मेकअप से, तो हमारे चैनल पे $300 का मेकअप गिव अवे चल रहा है। तो मेक श्योर टू पार्टिसिपेट। जो भी रूल्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। यू नेवर नो आप क्या जीतो। ऑब्वियसली उसमें हुडा ब्यूटी का सामान जरूर होता है मेरे गिव अवेज में। तो फिलहाल मैं अभी इस पे इंस्टाग्राम पे इसके पिक्चर्स डाल रही हूँ एंड देन इंस्टाग्राम पे थैंक यू करके टैग कर रही हूँ हुडी को। तो या अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो मैं करती हूँ इसमें थोड़ा काम। तो बेसिकली ब्रांड्स अगर आपको जब सामान भेजते हैं तो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया कि आप उनको हमेशा थैंक यू करो, उनको अपना ग्रेटिट्यूड दिखाओ, शो देम हाउ ग्रेटफुल यू आर। तो यहाँ पे बस ब्रांड्स को टैग करके उनको थैंक यू कहना एंड देन डीएम में उनसे थोड़ी बहुत बात करनी। तो डैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग ऑन इंस्टाग्राम। अगर डेफिनेटली फॉलो करना है तो करना, बट यहाँ पे अब टाइम है शार्लेट के खेलने का। और शार्लेट अपनी फेवरेट कार लेके आई है और एक खाना खाने के बाद बढ़िया एक्टिविटीज होती हैं। मेरे लिए इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसी बहाने मेरा खाना पच जाता है। ये लैपटॉप मैंने शार्लेट को क्रिसमस पे गिफ्ट दिया था और ये इतना बढ़िया है। इसके अंदर ABCD है, 1, 2, 3 है। इसमें शार्लेट को ईमेल भी आता है, शी लव्ड इट। और इसमें मेरे को पता लगा उसको A to Z अच्छा वर्ड वाइज वो सेलेक्ट करके बताती है ये कौन कौन सा हेल्प। तो इसका आफ्टरनून नैप का टाइम है, अभी अपने टॉयज सारे पैक करेगी एंड देन उनको रख के आएगी। यू नो अपने बच्चों को आप ये चीज़ भी सिखाओ, अगर वो मैस क्रिएट करते हैं आस्क देम टू क्लीन इट एज वेल। चलो लेट्स गो बाबा। सी उसको पता है उसकी टॉय अभी एक दो रह गए हैं रास्ते में, बट दैट्स टोटली फाइन। गुड जॉब। चलो इसको हटाओ। ये प्रॉब्लम है ज्यादा कुशन्स या यू नो बेड पे पिलोस रखने से, बच्चे के सोने के टाइम पे आपको सब हटाना पड़ता है। चलो चलो केयरफुल। आफ्टरनून नैप हमारी फैमिली में मैंडेटरी है क्योंकि शार्लेट को मैं आफ्टरनून नैप एवरी डे देती हूँ। जिस दिन नहीं देती हूँ उस दिन थोड़ी सी क्रैंकी हो जाती है, तो उसके साथ मैं भी आधे घंटे की नैप ले लेती हूँ एंड देन आधे घंटे बाद मैं उठ जाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज मेरे को कुछ काम वगैरह करना हो। तो यहाँ पे मैं शार्लेट को दे रही हूँ नैप और एक घंटे बाद हम उठ गए। लेगिंग्स बना रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है मौसम और यहाँ पे सर्दियों में दिन बहुत जल्दी ढल जाते हैं। तू शैतान, तो इसलिए अंधेरा बाहर अभी से बहुत हो गया है ना। हाय बोल दो। हाय परिश। कर दो। चलो मैं तुम स्नैक बनाती हूँ। सो मॉमी स्टोरी बिल्कुल खत्म नहीं होती है। अभी मैं बनाऊंगी मखाने की खीर। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं फॉक्स नट्स ट्राई करूँ और मैंने हाय गाइस बोल दो और मैंने एक बार घी में इनको फॉक्स नट ट्राई करके दिए थे, मतलब थोड़ा सा जैसे फ्राई करके नहीं देते घी में, तो ना शार्लेट ने खाए और ना सनी ने खाए, है ना। तो मेरे को खाने पड़ गए वो, तो इसीलिए उस चीज को अवॉइड करने के लिए आज मैं ट्राई करने वाली हूँ मखाने की खीर। एंड आई होप कि ये लोग लाइक करें, अगर लाइक नहीं करेंगे तो आई डोंट नो व्हाट टू से। बट मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनाऊंगी, थोड़ी सी क्वांटिटी बनाऊंगी सो डेट अगर इन लोगों को लाइक नहीं करा तो मैं उसको खाऊं और मैं इतना ज्यादा ना खाऊं कि मेरे लिए गलत हो जाए इतना मीठा खाना। सो लेट्स गो इन द किचन और जल्दी से बनाते हैं यम्मी सी मखाने की खीर क्योंकि मुझे मखाने बहुत पसंद है। तो एज ऑलवेज जो कि मैंने आपको बताया था, मेरे को बेड बना के रखना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इवनिंग नैप जो शार्लेट ने आफ्टरनून नैप जो शार्लेट ने ली है उसके बाद मैं बना रही हूँ बेड। और वो अपनी डॉल लेके यहाँ पे बैठ गई है, 2 मिनट ही बैठी है और फिर से ब्लैंकेट खराब करके आ गई। बट बच्चों का यार यही काम है। अब यहाँ मैं बना रही हूँ मखाने की खीर। तो एक चम्मच देसी घी में मैं पहले मखाने को थोड़ा ड्राई रोस्ट करूंगी और जब मैं इसको रोस्ट करूंगी ना थोड़ा सा, तो इसमें से मैं थोड़ा सा मखाने निकाल लूंगी। एंड देन अब यहाँ पे मैंने डाला है उबला हुआ दूध और इतना धुआं हुआ था यार, मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा धुआं निकला था। तो यहाँ मैंने उबला दूध डाला है
और उसको अभी थोड़ा पकाया है एंड देन इसमें डाला है केसर का पानी। केसर का पानी डालने के बाद मैं उसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। जब तक खीर पक रही है तब तक जो मैंने थोड़े मखाने फ्राई करे थे वो साथ में मैं बादाम ले रही हूँ एंड देन इसमें मैं थोड़ा उसको पाउडर बना रही हूँ। इससे जो ये जो खीर बनेगी ना उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी एंड देन अब मैंने इसके अंदर वो डाल दिया जो मैंने पाउडर भी पीसा है मखाने और बादाम का। प्लस मैं यहाँ पे मखानों को थोड़ा सा दबा रही हूँ सो डैट ये मखाने थोड़े से मतलब और मशी हो जाएं और कंसिस्टेंसी थोड़ी और थिक हो जाए खीर की। अब करीब 4-5 मिनट में खीर पकाने के लिए रखी है। सच में ये वाला एंगल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पे मैंने इसमें डाले 3-4 चम्मच शुगर डाला है। जितनी खीर है उसके हिसाब से शुगर ठीक ही डाली है मैंने एंड देन इसको दोबारा से मिक्स करना है एंड देन उसको करीब 3-4 मिनट मैंने और पकाया है और उसके बाद मैंने उसको बोल में निकाल लिया है। और फैमिली को कैसा लगा ये मैं आपको बताती हूँ विद इन अ सेकेंड। शार्लेट को मैंने अभी अभी मखाने की खीर खिलाई है और इसने बहुत ज्यादा लाइक नहीं करी है। हाँ थोड़ी बहुत खा ली है कि एज अ स्नैक के लिए एंड इवन हेल्दी भी है। बाहर मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है तो आई होप थोड़ी देर रुक के शायद मे बी ट्राई करे। बट अभी इसके हेयर कॉम करने के बाद मैं करूँगी डिनर की तैयारी बिकॉज मखाने खीर बनाने के बाद हम लोगों ने खूब मस्ती मार ली है, खूब खेल लिया है एंड देन अब प्रैक्टिकल डिनर की तैयारी भी करनी है। तो आज मॉर्निंग टू नाइट रूटीन के व्लॉग में बहुत सारी रेसिपीज मैं कवर कर रही हूँ और उनमें से अब हम आ गए हैं अपनी डिनर रेसिपी पे। तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सारी बाहर निकाल लो। यहाँ पे मैं गाजर को कट कर रही हूँ एंड देन सेलरी कट कर रही हूँ। कैबेज है तो कैबेज जरूर डालना, बंद गोभी बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे पास बंद गोभी थी नहीं तो मैंने डाली नहीं एंड देन ग्रीन अनियन को कट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं हमेशा जब भी चिकन लेके आती हूँ उसमें एक या दो पीस हमेशा मैरिनेट करके रख देती हूँ। आप चिकन को रिप्लेस भी कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, अगर नहीं खाते चिकन तो। मैंने यहाँ तेल में, मैं नॉर्मल तेल में क्योंकि मेरा अदरक लहसुन जल ना जाए इसीलिए मैं नॉर्मल तेल में थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला है एंड देन चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा था परसों से। बस चिकन में सॉल्ट और पेपर डाल देती हूँ एंड देन थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। बस ऐसे ही सिंपल सा मैरिनेट करके रखती हूँ मैं। यहाँ पे मैं चिकन को हल्का सा फ्राई करूंगी, बहुत ही कम तेल लिया है मैंने, आधे चम्मच ही तेल लिया है बस। एंड देन उसके अंदर जो मैंने वेजिटेबल्स कट करे थे अपने गाजर और सेलरी वो डाला है। ग्रीन अनियन नहीं डाली है अभी बिकॉज ग्रीन अनियन बहुत जल्दी पक जाती है, वो बेसिकली लास्ट में सर्विंग के लिए होती है। तो यहाँ मैंने इन सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए मिक्स करा है एंड देन इसमें मैंने डाला है करीब 2-2.5 कप पानी डाला है जिसमें चिकन अच्छे से कवर हो जाए क्योंकि इसको बॉईल करना है करीब 30 मिनट तक के लिए, तो इसीलिए पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए अदरवाइज सारा पानी उड़ जाएगा और सूप बिल्कुल नहीं बचेगा। जब तक सूप बॉयल हो रहा है साथ में मैं बना रही हूँ ये चटनी। मैंने फिलहाल यहाँ पे एक टमाटो लिया है एंड देन सूखी लाल मिर्च लिया है, थोड़ा सा पानी डाला और उसको बॉयल करना है। इतनी यमी बनती है, मोमोज के साथ भी मैं यही वाली चटनी बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद है और सूप के साथ थोड़ा स्पाइसी सा हो जाता है तो बढ़िया लगता है। आप में से काफ़ी सारे लोग लास्ट एक या दो व्लॉग्स में मेरे को नोटिस करके बता चुके हैं कि मैं थोड़ी दीन लग रही हूँ, थोड़ा वेट कम लग रहा है। तो छोटे से चेंजेस हैं जिसमें कि पहला सबसे बड़ा चेंज है कि मैं अपने खाने में मैंने तेल को प्रॉपरली रिप्लेस कर दिया है देसी घी से। तो मैं अपने जो भी मील बनाती हूँ स्पेशली लंच में मैं 1.5 चम्मच देसी घी यूज़ करती हूँ। हमारे घर में सिर्फ सनी, मैं और शार्लेट ही हैं तो सब्जी ऑलमोस्ट 2 टाइम की तो बनती है हमारे घर में। तो जितनी भी, अगर मैं इतनी सी सब्जी बनाऊँ तो हम 2 टाइम यूज़ कर लेते हैं बिकॉज हम लोगों की एपेटाइट ऑलरेडी बहुत कम है। कि पहले मैं किसी भी टाइम कुछ भी खा लेती थी, मतलब मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को जल्दी डिनर करना है। अब मैं अर्ली डिनर करती हूँ तो नॉर्मली मैं डिनर 7-7:30 के बीच में कर लेती हूँ। देख रहे हो कि 7 o'clock के आसपास का टाइम चल रहा है। आज थोड़ा सा लेट हो गया सिंस मैं आज फिल्म भी कर रही हूँ एंड देन साथ में मैंने वो जो खीर बनाई थी, तो जो मखाने खीर बनाई थी वो मैंने बिल्कुल टेस्ट नहीं करी है, बस हल्का सा शुगर के लिए हल्का सा टच करके देखिए बस एकदम परफेक्ट बनी थी वो। तो इसीलिए मैं स्वीट बहुत अवॉइड करती हूँ। इवन मुझे स्वीट इतना पसंद नहीं है अनटिलनेस कोई इंडियन स्वीट ना हो जो मेरे को बहुत ही पसंद है, बट यहाँ पे इतने ऑप्शन मिलते नहीं है और अच्छी बात है कहने के, गुड फॉर हेल्थ। तो स्वीट्स का ऑप्शन इसलिए मैंने कट ऑफ किया हुआ है अपनी डाइट में से। ऑलरेडी मैं शुगर वगैरह बहुत कम कंज्यूम करती हूँ, मॉर्निंग में सिर्फ कॉफी पीती हूँ, कॉफी में मैं शुगर फ्री यूज़ करती हूँ सिंस 1 साल से। तो शुगर मेरी डाइट में बहुत ही कम है। प्लस रात को 7-7:30 के आसपास मैं हफ्ते में 2 दिन खाती हूँ खिचड़ी बिकॉज आई लव खिचड़ी और सनी और शार्लेट को भी बहुत पसंद है। लाइट होती है, जल्दी डाइजेस्ट होती है, न्यूट्रिशियस होती है। एंड देन हफ्ते के 1 या 2 दिन मैं पीती हूँ सूप, बचे हफ्ते के 2 दिन उन दिनों में मैं डिनर में कुछ भी, अगर जो मैंने सब्जी बनाई है तो मैं बस सब्जी खाती हूँ विद अ लॉट ऑफ सैलेड। मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाती डिनर में अब। और चीट मील में मैं चीट मील रात की जगह ज़्यादातर आफ्टरनून में खा लेती हूँ थोड़ी सी, बिकॉज मेरे को रात को अब हैवी खाने की हैबिट ही छूट गई है। तो यही रीज़न है कि चीट मील भी, हाय बीबी, तो यही रीज़न है कि चीट मील भी मेरे लिए अब इतनी वर्क नहीं करती बिकॉज आई रियली डोंट लाइक इट।
तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप लोग मेरे इन फ्यूचर आने वाले सारे व्लॉग्स में खुद देखोगे और खुद ऑब्जर्व करोगे. और आई एम लविंग इट, आई एम लविंग द न्यू हेल्दी लाइफस्टाइल. और यही सब चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग के थ्रू शेयर करना चाहती थी, सिंस मुझे नहीं पता कि कोई नई ऑडियंस भी ये ब्लॉग देखती है, नहीं मेरी यूट्यूब फैमिली ब्लॉग देख रही है. तो गाइस छोटे छोटे चेंजेस से यू कैन अचीव अ लॉट बेटर थिंग. और मेरे हिसाब से छोटे छोटे स्टेप रखना ज्यादा ईजी होता है, सिंस एकदम से कुछ चीजें चेंज करना, एकदम कीनुआ ओट्स की रोटी या एकदम यू नो बाजरे पे जाना, इससे अच्छा है कि अपनी डाइट में छोटे छोटे स्टेप्स ले लो, सो डैट कहीं ना कहीं बॉडी को भी एकदम एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन ना लगे, एकदम एक्सट्रीम आप परेशान ना हो, बट एट द सेम टाइम आपको धीरे धीरे करके रिजल्ट दिखने लग जाए. तो एज पर अभी अगर आप मेरे को देखो तो दिस इज हाउ माई स्टमक लुक लाइक. अभी मैंने मॉर्निंग से काफी कुछ खाया है, ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है, एंड देन थोड़ी घी टेस्ट करी है, बट सी आई रियली वेयर वेरी लूज क्लोथ्स, बट दिस इज हाउ माई स्टमक लुक लाइक एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट एंड एवरीथिंग. एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग डूइंग इट, करती रहूंगी जब तक कर सकती हूँ, बिकॉज सच में आई पर्सनली लव इट. और अगर कई लोग कह रहे हो मैं आपको भूख नहीं लगती, तो सच में मेरे को भूख नहीं लगती. अगर आपको भूख लगती है तो यू कैन स्टिल हैव यू नो एक रोटी टाइम से, बट मेरा मानना है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप डिनर कर लो, उतना ही बेस्ट रहता है. तो चलो जल्दी से देखते हैं सूप कितना प्रिपेयर हो गया, बिकॉज नाउ आई एम वेरी हंग्री. ऐसा नहीं है मैं कुछ खाती नहीं, मेरे को भूख लग रही है तो सूप ही नहीं है. तो सूप ऑलमोस्ट बन के हो गया है रेडी. और जो हमने वहाँ पे वो बॉयल करने रखा था टमाटर का, जो हमने प्यूरी बनानी है, तो वो मैंने हटा दिया है. फिलहाल मैं सूप में अभी डाल रही हूँ काली मिर्च, थोड़ा सा विनेगर और बहुत थोड़ी सी सोया सॉस, वो भी जस्ट कलर के लिए, अदरवाइज मैं इतना कुछ नहीं डालती. कॉर्नफ्लावर मैं बिल्कुल नहीं डालती अपने सूप्स में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कॉर्नफ्लावर वगैरह ज़्यादा ऐड करना. तो अब मैं एक ब्लेंडर में लिया मैंने अदरक लहसुन, एंड देन जो हमने टमाटर और सूखी लाल मिर्च को बॉयल करा था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है. इसको मिक्स करना है आपको, तो ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाएगा. तो थोड़ा सा इसमें सिरका डालना है, कोई सा भी वाइट विनेगर डाल के आपकी चटनी रेडी है. शार्लेट के लिए मैं सूप विदाउट चटनी के दूंगी, तो चिकन रखा है, थोड़ी सी न्यूडल डालें एंड देन सूप डाला है. अपने लिए मैं न्यूडल बिल्कुल नहीं लूंगी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं अपना वेट पे वर्क कर रही हूँ. ऊपर से मैंने इसमें ग्रीन अनियन सर्व कर दिया है. शार्लेट को सूप बहुत पसंद आया, बट उसने थोड़े न्यूडल छोड़ दिए हैं जो सनी खा लेंगे इवेंचुअली. ये है मेरा अपना सूप जिसमें डाली खूब सारी चटनी, चटाकेदार, मुंह में पानी आ रहा है रिकॉर्डिंग करते हुए. तो क्लिप इंजॉय करो. तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ सनी के लिए सूप सर्व. सनी को बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने आपको बताया हफ्ते में 2-3 बार तो बनता ही बनता है. स्पून. आपने खाया? आपने खाया सूप? सूप. सूप. सूप या. तो सनी ने खाना खाना है, और ऐसा हो सकता है कि शार्लेट साथ में ना खाए. एवरी टाइम. नो. मम्मा गए, मम्मा गए. लेट मी एट इट. सो गाइस बेसिकली ये टाइम होता है आफ्टर डिनर के बाद का, जब मैं एडिट कर रही होती हूँ वीडियो, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स आते हैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे एट 10 AM IST. तो मैं जल्दी जल्दी एडिट करती हूँ. और ऐसे में ये देखो, ये इतनी सारी, ये आप बिहाइंड द सीन्स भी देख रहे हो एक हिसाब से, टॉडलर मॉम्स के साथ एडिटिंग के स्ट्रगल्स देख रहे हो आप. तो एडिटिंग होने के बाद वीडियो होती है आप लोगों के लिए अपलोड, एंड उसके बाद मैं घर को करूंगी क्लीन, शार्लेट में करेंगे ब्रश, एंड देन हम करेंगे गुड निन्नी. बाय बाय. आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय करा. अगर एंजॉय करा तो हिट दैट बिग लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि आपको कैसी लगी हमारी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.